I am Dr. Sharda Jain. Welcome to our YouTube channel, Life Care Center, Sahi Upchar. आज 5th जून है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है. खास मैसेज आज का. सभी लोग कहते थे जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पानी वैसे ही वाणी हो जाएगी आपकी. ये भी बहुत क्लियर हो गया है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को रिजॉइस करना है, लेट्स रिजॉइस एवरी डे. दैट्स द ओनली वे टू बी हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल. हर आदमी पीसफुल होना चाहता है, हर आदमी हैप्पी होना चाहता है. मत भूलिए, सब जीव जंतु भी हैप्पी और हेल्दी होना चाहते हैं. ये सारी प्रकृति, पेड़ पौधे हैप्पी होना चाहते हैं. कोरोना के टाइम पे हमें एक चीज सीख मिल गई कि गंगा का पानी इतना साफ नहीं हुआ पुराने 75 सालों में जितना कि इस कोरोना के लॉकडाउन से हो गया. प्रकृति ने नष्ट किया है, नहीं, मनुष्यों ने इसको नष्ट किया है. जो तहस नहस आपकी प्रकृति के में देख रहे हैं वो मनुष्य ने की है. अगर आपके जीव जंतु खत्म हो जाएं सारे तो प्रकृति 6 महीने में नष्ट हो जाएगी. पर ह्यूमन बीइंग्स चले जाएं तो ये धरती सेंचुरीज जिंदा रहेगी. ये सब कुछ किया कर आया खराबी है वो मनुष्यों ने की है. वी हैव टू थिंक ग्रीन, वी हैव टू लिव ग्रीन, एंड लिव ग्रीन इज बाय सेलिब्रेशन. हमें पानी बचाना है, हमें पौधे बचाने हैं और अपने मन को भी ग्रीन करना है. पानी बचाने के लिए नहाने में हमें बाल्टी की कल्चर लानी पड़ेगी. गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर नहाने के लिए साफ करने की जरूरत नहीं है. जब पानी का सेवन करेंगे आप तो उसमें अपनी वाइब्रेशंस दीजिए, अपनी आत्मा की वाइब्रेशंस उसमें डालिए, प्योरिटी की, पीसफुल होने की, लविंग नेचर होने की, आनंद देने की, रिस्पॉन्सिबल देने की. तो आप फिर उस वाटर को पीजिए तो आप संत हो जाएंगे. करके तो देखिए, वही पौधों के लिए. आज से बोलिए वेजिटेरियन हो जाइए, इसी में आप सभी का भला है. मत खाइए नॉन वेज फूड, हिंसा है. जैसा खाना हम खाएंगे वैसे ही अंदर से हो जाएंगे. हमें अपना व्यवहार अहिंसक बनाना है, अपने भाव विचार, हमारे काम धंधा सब में अहिंसा दिखनी चाहिए, हमारी सोच में अहिंसा दिखनी चाहिए. जब हम मन से अहिंसक होंगे हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा. करके देखते हैं. तो पौधों के साथ, पानी के साथ आज का बर्ताव बहुत ठीक है. आप मेडिटेशन करें, जहां पर आप पौधे उगाते हैं आप देखिए उनकी ग्रोथ कैसी होती है. आप पौधों को प्यार की दृष्टि से देखिए, देखिए उनकी ग्रोथ कैसी होती है. इसको जीवन में उतारे तो मन से पहले ग्रीन होइए, मन से आप रिजॉइस करिए, फिर बाहर की जगत में देखिए. सिंप्लिसिटी को अपनाना है जीवन में, सिंप्लिसिटी को अपनाना है. जब 4 कपड़ों से काम हो जाए तो 40 कपड़े नहीं ले जाइए, दिखावा छोड़िए. खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए.